दिन जो कि भारत बंद का आह्वान था और पूरे जिले की पुलिस और छतरपुर शहर की भी पुलिस, हमारे पूरे वरिष्ठ अधिकारी उसी जुलूस में लगे हुए थे। मैं भी लगा हुआ था। दो तीन जुलूस पहले निकलने के बाद में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस के बीच में ही कोतवाली थाने लगभग 1,000 की संख्या में आए थे। महाराष्ट्र में कुछ टीका टिप्पणी हुई थी उसको लेके उनको FIR की मांग कर रहे थे। चूंकि जुरिडिक्शन हम लोगों का नहीं था तो हम लोग CSP साहब और बाकी जो हमारे साथी TI लोग थे सभी समझाए, एडिशनल साहब समझाए कि आप लोग ज्ञापन दीजिए। समझाए इसके बाद में उनके जो लीडर्स थे, डेलीगेशन था, उन लोग ज्ञापन दे दिए थे। और ज्ञापन देने के बाद जब थाने से बाहर जा रहे थे तो काफ़ी संख्या में भीड़ बाहर थी। उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया, चप्पल अप्पल फेंकने लगे। फिर भीड़ से कुछ जो उनके साथ में आए हुए थे वो पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में मेरे सहित अन्य पुलिस वालों को भी चोटें आई और बाद में फिर उनको समझाइश देने के बाद में बाहर खदेड़ा गया। ये बताया जा रहा है कि आपके हाथ में चोट लगी और अन्य 3 पुलिस वाले भी थे, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपके हाथ में है इसमें चोट जो कि शार्प ऑब्जेक्ट से है और काफ़ी 7-8 टाके आए हैं इसमें, तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि शार्प ऑब्जेक्ट से चोट आई है, लेकिन मैं देख नहीं पाया किस चीज़ से चोट आई है। बाकी आप ही रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये जो सुनने में आ रही है कि कहीं कहीं आपके हाथ में जो शार्पनेस लगी है तो चाकू के निशान है कि ये पत्थर के निशान है? पत्थर के नहीं है, शार्प ऑब्जेक्ट के निशान है।